दोस्तों आज बात कर लेते हैं ग्रेजुएटी की। ग्रेजुएटी क्या होती है, कब मिलती है, कितनी मिलती है और कैसे मिलती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ग्रेजुएटी हर सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी को मिलती है, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी भी है तो उसको मिलेगी, ये ध्यान से आप सुन लीजिए दोस्तों। लेकिन उसके कुछ अपने नियम है जो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो इस पर जो कानून लागू होता है उस कानून का नाम है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। और ये कानून क्या बोलता है कि अगर किसी कंपनी में, किसी विभाग में 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी है तो उस पर यह कानून लागू होगा और वो कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेजुएटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन 10 से कम अगर इंप्लाई है तो उस पर ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता दोस्तों। दोस्तों जब आप किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करते हो तो वो कंपनी आपको सैलरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी देती है दोस्तों। तो जान लेते हैं कि ग्रेजुएटी क्या होती है दोस्तों। जब आप किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करते हो तो वो कंपनी आपकी सेवाओं के बदले आपको रिवार्ड देती है, इनाम देती है, शुक्रिया करती है, या यूं कह लीजिए आपको पुरस्कार देती है। और उसी राशि को जो है, उसी राशि को दोस्तों ग्रेजुएटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप कंपनी से जब रिटायर होते हो तब मिलती है आपको, या आप कंपनी छोड़ते हो तब मिलती है, या आप कंपनी बदलते हो तब भी आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। लेकिन दोस्तों नियम क्या है, नियम ये है कि अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है, आपकी लेंथ कम से कम 5 साल होना जरूरी है दोस्तों। 5 साल की सर्विस बिना किसी सर्विस ब्रेक के। तो दोस्तों आज जान लेते हैं सर्विस ब्रेक क्या होता है। सर्विस ब्रेक का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने जानबूझ के कोई काम ऐसा नहीं किया, कोई छुट्टी ऐसी नहीं ली या जिसमें आपका सर्विस ब्रेक माना जाए। दोस्तों अगर आप किसी दुर्घटना से, बीमारी से छुट्टी लेते हो तो उसको सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। दोस्तों अगर आपकी कंपनी में कोई हड़ताल हुई है, तालाबंदी हुई है, उसको भी सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर कर्मचारी की गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो अगर उसने कोई छुट्टी ली है, कोई बात हुई है, तो उसको सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। अगर दोस्तों कोई कर्मचारी सबैटिकल लीव लेता है, सबैटिकल लीव का मतलब होता है कि पढ़ाई के लिए, आराम करने के लिए कुछ छुट्टियां लेता है, बिना पे के छुट्टी लेता है, बिना तनख्वाह के छुट्टी लेता है, तो दोस्तों वो सर्विस ब्रेक माना जाएगा। अगर किसी कर्मचारी के 6 महीने से ऊपर सर्विस हो गई है तो उसको पूरा साल काउंट किया जाता है। मान लो किसी की सर्विस 7 महीने हुई है तो दोस्तों वो पूरा साल काउंट होगा। किसी की सर्विस मान लो 4 साल 8 महीने है तो उसको पूरा 5 साल माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैक्सिमम जो है आपको ग्रेजुएटी 20 लाख रुपए तक मिल सकती है दोस्तों, ये इससे भी ज्यादा मिल सकती है। लेकिन 20 लाख तक की जो ग्रेजुएटी है वो टैक्सेबल नहीं है। अगर 20 लाख से ऊपर कोई कंपनी गिफ्ट के तौर पे आपको दे रही है ग्रेजुएटी, तो दोस्तों वो जो 20 लाख से ऊपर का अमाउंट है वो टैक्सेबल है, उस पे जो है टैक्स लगेगा। इसलिए जो बार बार कंपनी बदलते हैं या छोड़ते हैं तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो सर्विस है वो कम से कम 5 साल की होनी जरूरी है, तब जाके आपको जो है ग्रेजुएटी मिलेगी। अगर किसी को कंपनी में रहते रहते किसी के 5 साल पूरे हो गए तो वो जॉब पे रहते रहते ग्रेजुएटी की डिमांड नहीं कर सकता। ग्रेजुएटी की डिमांड के लिए 5 साल होना जरूरी है और जॉब को बदलना, छोड़ना या जॉब से रिटायर होना जो है जरूरी होता है दोस्तों। लेकिन अगर किसी की जॉब पे रहते रहते मृत्यु हो जाए, अपंग हो जाए, तो दोस्तों उस पर ग्रेजुएटी का जो प्रावधान है 5 साल वाला वो लागू नहीं होता। उसको 5 साल से पहले भी जो है ग्रेजुएटी मिल सकती है। अगर किसी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाए तो उसका जो नॉमिनी होता है दोस्तों उसको जो है ग्रेजुएटी मिलती है। अब बात कर लेते हैं नुकसान की, किसी अपराध की। अगर किसी कर्मचारी ने कंपनी का कोई नुकसान किया है, कोई जानबूझ के अपराध किया है, कोई धोखाधड़ी की है, तो वो कंपनी उस कर्मचारी की ग्रेजुएटी रोक सकती है दोस्तों या काट सकती है।
ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएटी जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। दोस्तों जब आप कंपनी को छोड़ रहे हो, बदल रहे हो या रिटायर हो रहे हो, मतलब कम से कम आपकी 5 साल की सर्विस अगर पूरी हो चुकी है, तो जो आपने अंतिम सैलरी उठाई है, लास्ट सैलरी जो उठाई है, उसका बेसिक सैलरी प्लस उसका जो महंगाई भत्ता है उसको गुणा करो दोस्तों 15 से। जब गुणा करके 15 से जो अमाउंट आता है दोस्तों, उसको आप भाग करो 26 से, ठीक है दोस्तों। फिर जो धनराशि आती है उसको आपकी टोटल सर्विस से आप गुणा कर लीजिए, वो होता है आपका ग्रेजुएटी एक्ट, वो होता है आपकी ग्रेजुएटी दोस्तों। लेकिन अगर कोई अपंग हुआ है तो उसको 5 साल से पहले भी, या मृत्यु हुई है किसी को, 5 साल से पहले भी ग्रेजुएटी मिलती है दोस्तों। तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता गुणा में 15 भाग में 26 और उसको गुणा करो आपकी सर्विस लेंथ से, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 15 क्या होता है, जो आपने सैलरी उठाई है उसका 15 दिन का वेतन, मतलब आपका जो 1 महीने का वेतन बनता था, उस 15 दिन का वेतन जो है ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है दोस्तों। 26 का मतलब ये होता है कि ये माना जाता है कि 1 महीने में 26 दिन है और 4 दिन की छुट्टी है, ठीक है दोस्तों। बेसिक प्लस महंगाई भत्ता गुणा में 15 भाग 26 और जो अमाउंट आया उसको गुणा कर लीजिए आपकी सर्विस लेंथ से, है ना दोस्तों। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, अब आप समझ गए होंगे कि ग्रेजुएटी कैसे मिलती है और इसकी कैलकुलेशन दोस्तों कैसे होती है। वैसे तो दोस्तों ग्रेजुएटी जो है 4 साल 10 महीने 11 दिन में ही पूरी हो जाती है, अगर उसकी किसी की सर्विस इतनी हुई है तो ग्रेजुएटी उसको मिलेगी। लेकिन उसका मोटा मोटा नियम जो है, प्रैक्टिकल जो है, वो ये है कि उसको 5 साल की सर्विस जो है उसकी होना जरूरी है ग्रेजुएटी लेने के लिए। लेकिन जो ये 5 साल की सर्विस दोस्तों, ये बिना किसी सर्विस ब्रेक के होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। सर्विस ब्रेक की मैंने आपको पहले ही परिभाषा बता दी है। तो दोस्तों ये है ग्रेजुएटी, आप जान चुके होंगे कि कैसे मिलती है, कब मिलती है, कितनी मिलती है और दोस्तों इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब कुछ आपने इस वीडियो में जान लिया होगा दोस्तों। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो को चूज करते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है, ओम विताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाया करो। जब आप बेल आइकन दबाते हो तो हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा मकसद यही है दोस्तों कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है, तो दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए हम आते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, बस आप अपना प्यार लुटाते रहो और चैनल को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कॉमेंट करके दोस्तों बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। राम राम भाई।